सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल गियर बॉक्स एंड इट्स पर्पज एंड इट्स कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड वाई इट इज वेरी मच यूजफुल इन अवर व्हीकल्स। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वॉट इज अ डिफरेंशियल गियर। So differential gear in automotive mechanics, gear arrangements that permits power from the engine to transmit to a pair of driving wheels, dividing the force equally between them but permits them to follow path of different lengths, as when turning a corner or traversing an uneven road. So as the definition clearly indicates, kya hota hai differential gearbox? So it's a set of gears again. जैसे हम बात कर रहे हैं काफी गियर बॉक्सेस हमने पढ़े हैं, उसी तरीके से डिफरेंशियल इज आल्सो अ काइंड ऑफ गियर बॉक्स। और इसका जो मेन पर्पस क्या होता है, वो होता है कि जो टॉर्क आगे से ट्रांसफर हो रहा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड जब रिक्वायरमेंट हो तो उस इक्वली को हम लोग अपने नीड के हिसाब से ट्रांसमिशन के टाइम पे हम उसको वेरी कर सकें एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपको इसका सबसे पहले पोजिशनिंग हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल में ये कहाँ लगा होता है। तो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, एट द फ्रंट यू हैव इंजन, देन यू हैव गियर बॉक्सेस, देन क्लचेस एंड एवरीथिंग, देन यू हैव प्रोपेलर शाफ्ट, एंड व्हेन यू कम एट द रियर साइड, जब बिल्कुल आप पीछे की साइड आते हैं तो आपको दोनों व्हील्स के बीच में एक बड़ी सी गोल स्फेरिकल आपको एक शेप मिलती है, दैट इज योर डिफरेंशियल बॉक्स। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशियल लगा हुआ होता है और इसका जो इनपुट होता है वो कहाँ से आता है, प्रोपेलर शाफ्ट से होता हुआ, और यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ पर हम लगाते हैं और उसके बाद में हम लोग इनपुट इसको देते हैं डिफरेंशियल को। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल माउंटेड होता है। ये हम जो बात करें, ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल के बारे में बात करें। यदि हम फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में बात करें तो फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर में भी डिफरेंशियल होगा और वो फ्रंट में लगा होगा। और यदि हम बात करें फोर व्हील ड्राइव की, तो दोनों तरफ में एक डिफरेंशियल आगे और एक डिफरेंशियल पीछे आपको मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट्स अरेंजमेंट्स आर। तो आप आई होप इसका लोकेशन समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमने बोला कि अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से, अलग अलग टर्निंग रेडियस के हिसाब से हम लोग जो इसका टॉर्क है वो चेंज कर सकते हैं, इसके आरपीएम चेंज कर सकते हैं रियर व्हील्स के। अब वो क्या है बेसिकली, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नीड ऑफ डिफरेंशियल गियर बॉक्स, क्यों जरूरत पड़ी हमें डिफरेंशियल गियर बॉक्स की, वी शुड ट्राई टू नो। ट्रांसफर पावर फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू द व्हील्स, तो सबसे पहला काम था कि हमारे पास जो आगे से टॉर्क मिल रहा है हमको उनको दोनों व्हील्स पे ट्रांसफर करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर आपके पास सामने से आ रही थी उसको 90 डिग्री पे टर्न करना था। तो पहला काम तो ये हो गया डिफरेंशियल का कि जो आपके पास टर्निंग, जो आपके पास मोमेंट आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर इस डायरेक्शन में टर्निंग हो रहा है जबकि व्हील्स आपके इस डायरेक्शन में टर्न हो रहे हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस कि हमें जो है उस टॉर्क को 90 डिग्री पे ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमने डिफरेंशियल यूज़ किया है। सेकेंड वन इज प्रोवाइड्स फाइनल गियर रिडक्शन, तो हमें जो फाइनल गियर रिडक्शन चाहिए, जो यहाँ से हमारे पास आरपीएम आ रहे हैं उनको हमें रिड्यूस करना है और दोनों व्हील्स पे भेजना है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर सेट ऑफ गियर्स लगा रखे जिससे हम फाइनल रिडक्शन लेते हैं। थर्ड वन इज स्प्लिट अमाउंट ऑफ टॉर्क गोइंग टू ईच व्हील, तो हम क्या करते हैं जो भी आगे से टॉर्क मिल रहा है उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब बराबर बांटते हैं। मान लीजिए आगे से आपके पास जो भी टॉर्क रिसीव हो रहा है, से मान लीजिए 10 किलो न्यूटन आपके पास टॉर्क आ रहा है, तो हमें क्या करेंगे 5-5 किलो न्यूटन दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पज ऑफ योर डिफरेंशियल। एंड द लास्ट वन इज अलाउ द व्हील्स टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स इन टर्न, यानी कि ये इंपॉर्टेंट सबसे जो फंक्शन है डिफरेंशियल का वो ये है कि जब भी हम गाड़ी की बात करें और हम जब टर्न की बात करें, तो सपोज करिए कि आपके पास हिस्सा फ्रंट है और ये वाला हिस्सा रेयर है, फ्रंट व्हील जो आपके पास है उनके अंदर में स्टीयरिंग लगा हुआ होता है, तो आप उसको स्टीयर कर सकते हैं, आप उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। और जो रेयर होता है वो आपके पास फिक्स होता है, और रेयर के बीच में ही आपके पास क्या लग रहा है, यहाँ पर डिफरेंशियल लग रहा है, ओके। तो रेयर व्हील क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनका जो रोटेशन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि हमें ड्राइव नहीं मिल रही है उसमें। यहाँ पर हम जो ड्राइव दे रहे हैं वो हम व्हील्स को नहीं दे रहे हैं, ये पुश टाइप व्हीकल है, यानी कि हमारा जो सारा ड्राइव है वो रेयर व्हील को मिल रहा है। तो जो भी अरेंजमेंट चाहिए हमको पीछे वाले व्हील्स पे चाहिए, फ्रंट व्हील पे हमको किसी तरह का डिफरेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों जो एक्सल हैं वो रिजिड एक्सल नहीं है, ओके। तो अब हम बात करते हैं जब गाड़ी टर्न लेती है उस केस में क्या होता है। तो आप मान लीजिए कि गाड़ी आपकी राइट में टर्न ले रही है जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, तो आपने जैसे ही राइट में टर्न लेने के लिए व्हील्स को घुमाया, तो आप देखेंगे
कि एक सेंटर ऑफ रेडियस होता है, यानी आपने कभी भी गाड़ी खरीदेंगे तो उसका टर्निंग रेडियस कैलकुलेट होता है कि गाड़ी कितने मिनिमम रेडियस में टर्न हो सकती है. सो जिस सेंटर के रेस्पेक्ट में वो टर्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सेंटर. तो यहाँ पर आप जो टर्निंग सेंटर देख पा रहे हैं, यहाँ से जब व्हील आपका रोटेट हो रहा है तो आप देखेंगे इस व्हील से जब हम इस सेंटर पर लाइन खींचेंगे और एक इस व्हील से हम जब लाइन खींचेंगे तो दोनों की डिस्टेंस अलग अलग होगी. यदि हम इन दोनों डिस्टेंसेस को मानते हुए सर्कल्स ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि इसका सर्कल छोटा बनेगा और बाहर वाले व्हील का सर्कल बड़ा बनेगा. तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि हम इसकी पेरिफेरी निकालें, इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालें, मान लीजिए एक पूरा राउंड लगा करके वापस यहीं पर आता है, तो हम इसका जो लेंथ है वो निकालें, साथ ही साथ हम आउटर व्हील की लेंथ निकालें, तो आपको ये महसूस होगा कि आउटर व्हील आपका इनर व्हील से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट. लेकिन इन द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि इसको टाइम अलग लग रहा है. तो जो आउटर व्हील है और जो इनर व्हील है, उन दोनों को टाइम जो लग रहा है रोटेशन में वो बराबर लग रहा है, और वो तभी पॉसिबल है जब अंदर के आरपीएम कम होंगे और बाहर के आरपीएम ज़्यादा होंगे, ठीक है. तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आगे डिटेल में कि ये कैसे पॉसिबल है. लेकिन ये जरूरी है कि जब तक आउटर व्हील्स को ज़्यादा आरपीएम नहीं मिलेंगे तब तक क्या होगा, आपका रोटेशन प्रॉपर नहीं होगा. और हम कह सकते हैं यदि हम दोनों को बराबर आरपीएम देते हैं तो ये एक ही जगह ज़्यादा घूमने की कोशिश करेगा, यानी इनर व्हील क्या करेगा, एक ही जगह पे ज़्यादा घूमने की कोशिश करेगा और आउटर व्हील नॉर्मल रोटेट करेगा. तो जब यदि इनर व्हील एक ही जगह ज़्यादा घूम रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पे स्लिप अकर हो रही है. स्लिप मतलब कि वो आगे ट्रैवल नहीं कर रहा बल्कि एक ही जगह वो अपने रोटेशन को ले रहा है. तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्लिप करेगा, आपका जो इनर व्हील है वो स्लिप करेगा और आउटर व्हील है वो प्रॉपर वे में घूमेगा. इसी तरीके से यदि हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो इनर व्हील इस टाइम में लेफ्ट वाला हो जाएगा और आउटर व्हील राइट वाला हो जाएगा. तो जब हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो हमारा इनर व्हील यानी कि लेफ्ट वाला व्हील ज़्यादा स्लिप करेगा और राइट वाला व्हील बिल्कुल स्लिप नहीं करेगा. तो ये कंडीशन हमारे पास प्रैक्टिकल होती है. इसको यदि हम बिल्कुल नॉर्मल वे में समझना चाहें तो आपने देखा होगा कि हमारे पास ठेला गाड़ी होती है, जो हम ठेला जो स्ट्रीट हॉकर्स चलाते हैं उनको आपने देखा होगा, उसमें कोई डिफरेंशियल नहीं होता. और जब वो गाड़ी चलती है तो आपको ठेले को जब मोड़ना होता है तो आपको एडिशनल टर्म लगाना पड़ता है और आपको एक साइड से रोकना पड़ता है और एक साइड से पुश करना पड़ता है. तो जो जिस तरफ से आप पुश करते हैं वो वाला व्हील आपका घूमता है और जो आपने होल्ड किया है वो वाला व्हील वहीं पर ही रोटेट होने की कोशिश करता है. इसका मतलब वहाँ स्लिप ले रहा है, वहाँ पे स्लिप कर रहा है, ठीक है. और उस तरह से वो पूरा ठेला क्या होता है, किसी टर्न पे घूम पाता है. तो यही प्रॉब्लम बहुत सारे व्हीकल्स के साथ आती है जिसमें डिफरेंशियल नहीं होता है. तो इसी चीज़ को हम लोगों ने अवॉइड करने के लिए डिफरेंशियल को डिज़ाइन किया है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इन डिटेल. तो डिफरेंट टाइप्स की हम बात करें डिफरेंशियल की, सो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स. वन इज ओपन डिफरेंशियल और दूसरा है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, ठीक है. तो लिमिटेड स्लिप जो डिफरेंशियल है उसमें क्लच टाइप है, विस्कस कपलिंग है, लॉकिंग एलएसडी है और टॉर्जन लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल अवेलेबल है. बट एज फार एज अवर टॉपिक इज कंसर्न वी विल गो टूवर्ड्स ओपन डिफरेंशियल. तो हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो ओपन डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू नो इट्स पार्ट्स. तो हम देखते हैं कि एक जो डिफरेंशियल है वो कैसा दिखता है. तो आपके सामने एक स्केमेटिक डायग्राम आपको दिख रहा है और हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज कॉल्ड योर प्रोपेलर शाफ्ट. जो अभी हमने बात करी कि प्रोपेलर शाफ्ट से हमारे पास में ड्राइव इन होती है और ये पूरा का पूरा किसी केसिंग में बंद होता है. ये पूरा का पूरा एक पैक्ड बॉक्स टाइप मान लीजिए राउंड शेप का, जिसके अंदर ये सारे गियर्स अंदर की तरफ बंद होते हैं और इसमें ऑयल डूबा हुआ रहता है. मतलब ऑयल के अंदर ये सारे पार्ट्स डूबे हुए रहते हैं, उसी के अंदर ये काम करते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले प्रोपेलर शाफ्ट मिलती है और प्रोपेलर शाफ्ट हमारी जो होती है कनेक्टेड होती है बेवल गियर से, यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट जब घूमेगी तो ये बेवल गियर घूमेगा. उसी के साथ में कनेक्टेड है क्राउन गियर. आप देखेंगे एक बड़ा सा क्राउन गियर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और ये क्राउन गियर किसके साथ कनेक्टेड है, बेवल गियर के साथ. तो जब बेवल गियर घूमेगा तो आपका क्राउन गियर घूमेगा. उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो क्राउन गियर है इसके साथ में अटैच है एक आपके पास में केज. तो यहाँ पर आपको एक केज नजर आ रहा है. ये केज का मतलब क्या है कि ये एक तरह की हाउसिंग है, एक तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है, ओके. तो यहाँ पर ये केज लगा हुआ है. यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये देखने की है कि यहाँ पर ये जो आपके पास रेयर एक्सल आ रहा है ये इससे अटैच नहीं है, यानी कि ये जो क्राउन गियर है इसमें एक बीच में होल होता है और इस केज में भी एक होल होता है, यानी कि ये जो रेयर एक्सल है ये इंडिपेंडेंट होती है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है. ये घूमेगी इंडिपेंडेंटली, वो इसको ऑब्स्टिकल नहीं करेगी. यहाँ पर एक सर्कुलर कैविटी होती है, होल होता है, उसमें से ये आपकी रेयर एक्सल पास होती है, ओके. नाउ कम टुवर्ड्स द इनर कोर. जो अंदर का डिफरेंशियल का पार्ट है उसको हम समझते हैं.
यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चार गियर का एक सेट मिलेगा। चार गियर का सेट में क्या है, आपको केज दिख रहा है, केज के साथ में आपके पास दो पिन कनेक्टेड है और इन पिनों पर दो आपके पास गियर्स माउंटेड हैं, ठीक है। तो दीज गियर्स आर कॉल्ड प्लैनेट गियर्स, तो ये जो गियर्स हैं ये प्लैनेट गियर कहलाते हैं, ओके। और इन्हीं दो गियर्स के साथ में जो कॉन्सिक्यूटिव गियर्स लगे हुए साथ में, दिस इज कॉल्ड सन गियर। तो ये जो सन गियर है ये एक तरह से पूरी इस लूप है इसमें कंबाइंड रहते हैं, यानी एक दूसरे से सारे टच रहते हैं हमेशा। और ये जो सन गियर है इसी से हम लोग माउंट करते हैं पीछे की एक्सेल की दोनों शाफ्ट को, यानी ये राइट साइड वाले व्हील्स को घुमाएगी और ये लेफ्ट साइड वाले व्हील को घुमाएगी। सो दिस इज योर रियर एक्सेल, इसीलिए हम लोग कई बार इसको हाफ एक्सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में से कनेक्टेड नहीं होती है, इट इज इन टू पार्ट्स। तो ये क्या हो रहा है, आपका राइट के लिए राइट का सन गियर यूज हो रहा है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट का सन गियर यूज हो रहा है। इसी को बेटर वे में समझने के लिए हम और स्केमेटिक डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको जैसा यहाँ पर लेफ्ट साइड के व्यू में नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास में अगेन प्रोपेलर शाफ्ट है, ये आपके पास में बेवल गियर लगा हुआ है, क्राउन गियर लगा हुआ है, ए को हमने बेवल गियर बोला है, बी को हमने क्राउन गियर बोला है, देन वी हैव आर्म, देन वी हैव पिन्स, दो पिन लगी हुई है, यहाँ पर प्लेनेटरी गियर लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, और दो सन गियर लगे हुए हैं आपके लेफ्ट और राइट में। उन सन गियर से क्या निकल रहा है, आपका लेफ्ट की एक्सेल और राइट की एक्सेल, ओके। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल। यदि आप इसका रियलिस्टिक व्यू देखना चाहते हैं तो राइट में आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास जो टॉर्क है वो आ रहा है इंजन से, और ये फाइनली क्या हो रहा है, गियर के थ्रू आपका बेवल गियर पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्राउन गियर है यहाँ पर आपके पास टॉर्क मिल रहा है, और उसके साथ में चार गियर यहाँ पर माउंटेड है, यानी 1, 2, 3 इस तरफ और 4 इस तरफ, यानी चारों गियर का सेट है जो आपस में लगातार टच रहते हैं। और इधर वाले सन गियर से राइट साइड की शाफ्ट चलती है और लेफ्ट वाले सन गियर से लेफ्ट की शाफ्ट आपकी चलती है, जो एक्सेल है दैट विल गेट द टॉर्क, ठीक है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गियर बॉक्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करता है और इसको किस तरीके से हमने डेवलप किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक जो बहुत पहले के टाइम में जैसे जो बुलक कार्ट्स होती थी या फिर हॉर्स कार्ट होती थी, उसमें कोई डिफरेंशियल नहीं होता था, और आप देखते थे कि उस समय में क्या होता था कि जब व्हीकल हमने बनाया था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनर व्हील क्या हो रहा है, आपका कम रोटेट हो रहा है और एक ही जगह पर स्लिप कर रहा है, जबकि आउटर जो व्हील है वो प्रॉपर रोटेट हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से वो स्लिप कर रहा है, बिकॉज इनर व्हील में कोई डिफरेंशियल हम लोगों ने यूज नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से जो इनिशियल स्टेज में जो व्हीकल्स बने थे उनमें ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इस वीडियो में देखा है कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आप ये जो व्हील है आप ध्यान से देखिए वापस से, कि इनर व्हील जो है वो एक ही जगह पर स्लाइड कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये एक ही जगह पर घूमने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्लिप हो रहा है ये, क्योंकि आउटर व्हील तो अपनी नॉर्मल स्पीड से घूमेगा लेकिन इनर जो व्हील है वो उस स्पीड से नहीं घूम पाएगा, ओके। सो इसीलिए हम लोगों ने इस डिफरेंशियल को बनाया। देखने में आपने देखा होगा कि ट्रक्स के पीछे आप जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे जाते हैं, तो आपको एक सर्कुलर स्फेरिकल शेप दिखता है जो दोनों टायर्स के बीच में लगा हुआ होता है, यहाँ पर बेसिकली आपका डिफरेंशियल माउंट होता है। तो यहाँ से हम बात करें, डिफरेंशियल की शुरुआत हुई, तो जो डिफरेंशियल का यदि हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं सबसे पहले कि हो क्या रहा है कि लेफ्ट साइड का जो व्हील है उसको रोटेट करने के लिए और राइट साइड का जो व्हील है उसको रोटेट करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल दो क्या किया रॉड्स यूज करी और सिर्फ एक रॉड की मदद से हम इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि बराबर टॉर्क दोनों पर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, इसलिए हमने क्या किया, एक एक्सिस के ऊपर में हमने एक साइड में एक जी क्लैंप माउंट कर दिया। अब हम देख सकते हैं जब हम जी क्लैंप को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, आपका दोनों व्हील्स बराबर रोटेट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म लग रहा है, जैसे जैसे आपका जी क्लैंप घूम रहा है वैसे वैसे बराबर रोटेशन दोनों पे मिल रहे हैं। यदि हम बात करें, मान लीजिए 2n आरपीएम आ रहे हैं आगे से, तो n आरपीएम दोनों पर मिल रहे हैं। सपोज करिए 1000 आरपीएम आ रहे हैं तो 500 आरपीएम दोनों पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यदि हम एक व्हील को पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये जो होता है डिफरेंशियल, ये पूरा रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये दोनों से जॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने लेफ्ट राइट वाले व्हील को रोकने की कोशिश की, तो लेफ्ट वाला व्हील क्या हो रहा है, वो भी रुकने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम चाहते कि इस ये जो हाथ से हम जो फोर्स दे रहे हैं, यदि हम इसको फ्री कर देते तो ये क्या होता है, ये वाली लाइन जो होती है आगे निकल जाती, जबकि ये वाले को हमने हाथ से रोका हुआ है।
लेकिन अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है घूमने का, यहाँ पर ये घूम नहीं पा रही, लकड़ी हमने बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है तो ये रुक जाएगी, यहीं पे रुकने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि इसको लेफ्ट वाला व्हील रोक रहा है, तो लेफ्ट वाला रुकेगा तो राइट भी रुकेगा। लेकिन यदि हम इसको किसी तरह से घूमने की परमिशन दे दें तो आप ध्यान से देखेंगे कि यदि घूम सकता है तो ये यहाँ तो रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि राइट वाले जो है इसको पुश करेगा आगे, लेफ्ट वाले पे ये यहीं रुक जाएगा क्योंकि लेफ्ट से रुका हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो चीज है इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो रिजिड था इसको बीच में से ये घूमने अलाउ नहीं कर पा रहा था, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक रोटेटिंग टाइप का फॉर्क लगाया, ठीक है, तो हमने इसको चेंज किया यहाँ पर कि हमें यहाँ पर रोटेटिंग टाइप का फॉर्क चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, इसको रोटेटिंग टाइप लगा दिया, तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि लेफ्ट से हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी एक्सिस पे घूमेगा, यानी ये क्या करेगा, इस तरह से टर्न करने की कोशिश करेगा, ओके। तो जब ये टर्न करने की कोशिश करेगा यानी कि ये वाला पार्ट आगे जाएगा और ये वाला पार्ट यही रह जाएगा, ठीक है, यदि हम किसी तरह से ऑब्स्टिकल करते हैं तो ये अपनी जो एक्सिस है इस पर रोटेट हो सकता है। तो अब हमने वापस से यही सेम एक्सपेरिमेंट किया कि यदि हम इसको घुमाते हैं तो क्या होता है, यदि हम इसको घुमाते हैं तो दोनों बराबर टर्न हो रहे हैं, लेकिन यदि हमने एक को पकड़ा तो ये क्या होता है अपनी एक्सिस पे घूमना शुरू कर देता है, और एक्सिस पे घूमने से क्या होता है ये उस वाले व्हील को लगातार घुमाता रहेगा, लेकिन एक समय के बाद में आप देखेंगे कि ये इसकी लेंथ खत्म हो जाएगी और ये फ्री हो जाएगा, यानी अभी आगे नहीं घुमा सकता है। तो हमने इसको सोचा कि अब आगे इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे कोई भी गियर नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ जहाँ सिंगल स्टिक यूज की थी उसकी जगह हमने डबल स्टिक यूज की, तो इससे फायदा क्या हुआ, हमने देखा कि हम घुमा रहे हैं तो यदि हम एक को पकड़ के रखते हैं तो दूसरे को वो लगातार घुमाता रहता है, यानी वो अपनी एक्सिस पे घूम करके दूसरे को रोटेट करता रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी हम शुरुआत कर चुके हैं, ये प्लैनेट गियर है और ये हमारे पास दोनों साइड के सन गियर्स हैं जो आने वाले टाइम में हमने डिजाइन किए हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इस चीज को, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है झटका लग रहा है, तो हमने देखा कि ये चार स्टिकें इसलिए एक बार तो ये इसके कॉन्टेक्ट में रहती है और जब ये बिल्कुल नीचे चली जाती है तब दूसरी स्टिक उसके कॉन्टेक्ट में आती है। नॉर्मल कंडीशन में आप देखेंगे यदि हम दोनों को छोड़ दें तो इसमें खुद के एक्सिस पे कोई रोटेशन नहीं होता है, जब ये नॉर्मल रोटेट होता है तो ये क्या करता है जितनी भी आरपीएम है उसको डायरेक्ट दोनों पे बराबर ट्रांसफर करता है, इस एक्सिस पे कोई रोटेशन नहीं होता है। यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जो आपके पास प्लैनेट गियर है वो नहीं घूम रहा है, सिर्फ सन गियर घूम रहे हैं डायरेक्टली, यानी कि जो भी आरपीएम आ रही है उसको ये घुमा रहा है, लेकिन जैसे ही हम एक पे ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं एक को रोकते हैं तो क्या होता है वो अपनी एक्सिस पे घूम करके दूसरे को आरपीएम ट्रांसफर करता है। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए क्या किया गया, इसमें और स्टिक्स को बढ़ा दिया गया। तो अब हमने देखा कि हमने ज्यादा स्टिक ली तो ज्यादा हमारे पास स्मूथ हमारे को गियर मैकेनिज्म मिल गया और वो लगातार इजीली एक दूसरे में अपने टॉर्क को ट्रांसफर कर पा रहा है। तो इसी को मॉडिफाई करते करते हमने क्या किया, धीरे धीरे वी विल ट्राई टू मेक इट लाइक गियर्स। तो हमने इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गियर्स के रूप में इसको हमने बना दिया। तो हमारे पास ये प्लैनेट गियर है और दोनों साइड के हमारे पास सन गियर है। तो प्लैनेट गियर क्या करेगा, टॉर्क ट्रांसफर करेगा, लेकिन तब करेगा जब ये सीधी रोड पर चल रहे हैं और ये खुद अपनी एक्सिस पे नहीं घूमेगा, अंटिल अनलेस हम लेफ्ट या राइट व्हील को रोकें। अब यहाँ पर बात समझ में आती है कि कोई हाथ से तो व्हील को रोकता नहीं है, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने की ये है कि जब भी हम गाड़ी का टर्न लेते हैं यानी लेफ्ट साइड में गाड़ी को मोड़ते हैं या राइट साइड में गाड़ी को मोड़ते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास जो इनर व्हील है यानी जिस भी साइड में टर्न हुआ है उस पर क्या होगा, रेडियस पे गाड़ी घूमने लगेगी और जैसे ही आप उसको टर्न करेंगे तो उस पर इनर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, यानी इनर व्हील पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इनर व्हील पे फ्रिक्शन का मतलब है कि वो गाड़ी को टर्न होने से रोकने की कोशिश करेगा। तो ऑटोमेटिकली जो काम हमारा यहाँ पर इसमें हाथ कर रहा है वो काम हमारा एक्चुअली कौन करता है, वो रियलिस्टिक कंडीशंस करती हैं कि हम जिधर भी टर्न लेते हैं, मान लीजिए हम राइट में टर्न ले रहे हैं तो राइट का इनर व्हील क्या होता है ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल क्रिएट करने लगता है और फ्रिक्शन के कारण वो क्या होता है रुकने की कोशिश करता है। तो वो रुकने की वजह से क्या होता है, जितना वो नहीं घूम पा रहा है उतना क्या होता है आपके पास प्लैनेटरी गियर घूम करके अपने टॉर्क को क्या करता है राइट साइड में ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कर देता है, जितना यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, मान लीजिए आप हल्का फ्रिक्शन लगाएंगे तो ये कम टर्न होगा और जितना ये टर्न होगा उतनी ही आपके पास आरपीएम क्या करेगा वो अदर साइड में डिलीवर करेगा, बाकी की रेस्ट ऑफ द आरपीएम वो एक साइड में डिलीवर करेगा। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास 1000 आरपीएम आगे से आ रही है और 500-500 आरपीएम दोनों व्हील्स पे चल रही है। इस कंडीशन में यदि मान लेते हैं अपन कि लेफ्ट साइड का व्हील हम रोक रहे हैं हाथ से पकड़ के या फिर टर्न कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा यहाँ पर ऑब्स्टिकल क्रिएट होने लग जाएंगी और ये जो 500 आरपीएम पे घूम रहा था ये सिर्फ 400 आरपीएम पे घूम पाएगा। तो बचे हुए जो 100 आरपीएम होंगे उस पर क्या होगा ये प्लैनेट गियर घूमेगा और ये क्या करेगा ये प्लैनेट गियर घूमने की वजह से ये इसको एडिशनल घुमाएगा। तो जहां यहाँ 500 आरपीएम तो ये अपने नॉर्मल रोटेशन से ले रहा था और बिकॉज ऑफ दिस
प्लेनेटरी रोटेशन ये क्या करेगा, 100 आरपीएम एक्स्ट्रा गेन करेगा, यानी ये वाला जो व्हील है ये 600 आरपीएम पे रन करेगा। सो इन अ नटशेल हम बात करें तो हमारा उस टर्निंग रेडियस पे ये 400 आरपीएम पर घूमेगा और ये हमारे पास में 600 आरपीएम पे घूमेगा। मान लीजिए आपने टर्न बहुत ज्यादा तेजी से लिया है, ज्यादा शार्प टर्न लिया है, तो इस पे फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, तो हो सकता है ये 300 आरपीएम पर ही घूमे और आउटर व्हील आपके पास 700 आरपीएम पे घूमे। सो ये सारा काम कौन कर रहा है, हमारा प्लेनेटरी गियर कर रहा है, जब जब हमारे पास में किसी भी एक व्हील के ऊपर में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा गियर बनता चला गया। लेकिन अब हम जो हाथ से घुमा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको हमारे को घुमाने का काम किससे करें हम, तो हमने क्या किया, इस चीज को केज से जोड़ दिया। ये हमारा हाथ ना होकर के हमने क्या किया, यहाँ पर एक केज लगा दिया और केज को हमने घुमाने की कोशिश करी। जब यहाँ पर लगा हुआ केज घूमेगा तो यहाँ पर लगा हुआ आपके पास क्राउन व्हील घूमेगा तो केज उसके साथ कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे आपके पास में डिफरेंशियल का क्राउन व्हील घूमेगा तो क्राउन व्हील के साथ में केज कनेक्टेड है तो वो रोटेट करेगी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में हमने क्या किया, इसको रोकने के लिए हमने, ये देखिए, हमने इसको स्मूथ बनाने के लिए एक प्लेनेटरी गियर के बजाय हमने दो प्लेनेटरी गियर यहाँ पर यूज कर लिए। तो ये आपके पास डिजाइन और इजी हो गया और अच्छा हो गया। और जब हम इसको नॉर्मल वे में घुमा रहे हैं तो दोनों व्हील्स पे बराबर टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जैसे हमने राइट को रोका तो आप देखेंगे कि ये अपनी एक्सिस पे घूमने लग गया। तो इस तरीके से करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इसका डिफरेंशियल का कंस्ट्रक्शन है वो और मैच्योर हो चुका है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में सन गियर हैं जो कि एक्सिस पे जा रहे हैं और ये दोनों प्लेनेटरी गियर्स हैं। और हमने जैसा डायग्राम में देखा था प्लेनेटरी गियर पिन से कनेक्टेड होते हैं, तो ये दो पिन हैं हमारे पास। अब इन पिन को हमें पकड़ के घुमाना है लगातार, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये जो आपके पास क्राउन व्हील दिख रहा है, इस क्राउन व्हील से हमने क्या किया, यहाँ पर एक हाउसिंग दे दी। ठीक है, तो हमने इसको सपोर्ट करने के लिए एक हाउसिंग दे दी है। प्रोपेलर शाफ्ट है, वहां से आपके पास ड्राइव आ रही है और वो क्या कर रही है, इस क्राउन व्हील को घुमा रही है और इस क्राउन व्हील से हम चाहते हैं ये दोनों पिने घूमे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक इसको केज दे दिया है जो कि डिफरेंशियल से अटैच्ड है। तो एक ये देखिए, यहाँ पर ये आपके पास एक केज मिल गया आपको और ये कनेक्टेड हो गया आपके डिफरेंशियल से। तो जब जब आपके पास वॉर्म गियर पर ड्राइव मिलेगी, ये आपके डिफरेंशियल को घुमाएगा, डिफरेंशियल के क्राउन व्हील को घुमाएगा और क्राउन व्हील घूमेगा तो इसके साथ अटैच्ड है आपके पास ये केज, और ये जब घूमेगी तो ये पिन घूमेंगी और ये जब नॉर्मल कंडीशन में वर्क करेगा तो आप देख चुके हैं कि आपका प्लेनेटरी गियर बिल्कुल नहीं घूमेगा, प्लेनेटरी गियर स्टेशनरी रहेगा और दोनों पे बराबर ट्रांसफर करता रहेगा लाइक दिस। अब आप देख रहे हैं दोनों केस में क्या हो रहा है, आपके पास में टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है और वो क्राउन व्हील से बेवल गियर से होता हुआ क्राउन व्हील पे गया, क्राउन व्हील से होता हुआ केज पे, इस केज से होता हुआ ये क्या हुआ, प्लेनेटरी गियर को मिला और प्लेनेटरी गियर जब घूम रहा था तो हमारे पास में क्या हुआ, वो दोनों सन गियर्स को घुमा रहा था। ठीक है, तो प्लेनेटरी गियर क्या हो रहा है, इस एक्सिस पे घूम रहा है ना कि खुद की एक्सिस पे, राइट। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसको और बेटर करने के लिए हमने क्या किया, जो केज हमने एक सिंगल बनाई थी उसको हमने एक पूरा हाउसिंग का काम कर लिया, एक हाउसिंग बना दी और उस हाउसिंग से हमने क्या किया, उन जो प्लेनेटरी गियर्स थे उनको कनेक्ट कर दिया। तो एक आप राउंड शेप की हाउसिंग देख पा रहे हैं और ये हाउसिंग जो हो गई ये आपका केज का काम करेगी और ये कनेक्टेड होगी आपके पास में आपके क्राउन व्हील से, राइट। सो दिस इज हाउ अवर डिजाइन डेवलप्ड फॉर अवर डिफरेंशियल। सो दिस इज हाउ अवर मॉडर्न डिफरेंशियल्स आर वर्किंग। इससे फायदा ये होता है, इट हैव मैक्सिमम कॉन्टेक्ट एरिया, जितने भी और गियर्स हैं उससे ज्यादा जो हाइपोइड गियर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट सर्फेस होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे क्या किया, ये देखिए आप पहले आप यहाँ माउंट करते थे, अभी आपने इसको थोड़ा टेंजेंशियली माउंट करने लग गए। ठीक है, तो इससे हमें कई सारे टॉर्क ट्रांसमिशन में एडवांटेजेस मिलने लग गए एंड दिस इज अ वर्किंग ऑफ योर डिफरेंशियल, रियल डिफरेंशियल। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ये क्राउन व्हील घूम रहा है और क्राउन व्हील के साथ केज है और अंदर की साइड में आपका पूरा यूनिट है और ये पूरा का पूरा यूनिट क्या होता है, ऑयल में डिप रहता है जिससे कि आपका वियर एंड टियर कम हो, हीट डिसिपेशन बढ़िया हो। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि जब वो किसी सर्कुलर पाथ पे जब रोटेट होता है तो आउटर व्हील्स को तो क्या हो रहा है, ज्यादा आरपीएम मिल रहा है, इनर व्हील को ऑटोमेटिकली कम आरपीएम मिल रहा है। तो जो स्लिप पहले होती थी वो स्लिप आपने यहाँ क्या कर दी, अवॉइड कर दी है। सो बेसिकली दिस इज हाउ योर डिफरेंशियल वर्क स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताया गया है कि कौन सा ज्यादा तेज घूम रहा है व्हील। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द इनर व्हील इज रोटेटिंग एट लेस आरपीएम एंड द आउटर व्हील इज रोटेटिंग एट हायर आरपीएम। So this is the basic difference which was created because of your differential. So I hope all of you understand this.
So let's move back to our diagram. So now you can correlate all the things. ये आपके पास वापस से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट आई, ये आपके पास में बेवल गियर है, ये आपके पास में क्राउन गियर है, क्राउन गियर से आपके पास में ये आपके पास केज है, केज से पिन कनेक्टेड है जो कि दो, आपके पास प्लेनेटरी गियर से कनेक्टेड है और यहाँ पर आपके सन गियर्स हैं. ओके, सो दिस इज हाउ आवर वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल हैपेंस. ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ओपन डिफरेंशियल. तो जो ओपन डिफरेंशियल हम सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज करते हैं उसका फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है चीप है, बहुत कम कीमत में हमको मिलता है रेट कंपैरेटिवली बाकी डिफरेंशियल्स के मुकाबले. ओपन डिफरेंशियल बहुत कम में आता है, रिलायबल है, यानी इसकी वर्किंग बहुत इफिशियंट है, बहुत रिलायबल है, कई कई सालों तक गाड़ियां चलती हैं और इसमें मेंटेनेंस की जरूरत बहुत कम पड़ती है. थर्ड इज प्रोवाइड गुड हाईवे परफॉर्मेंस, तो हम देखेंगे हाईवे पर बहुत एक अच्छा परफॉर्म करता है. तीसरा, चौथा जो है वह रिलेटिव सिंपल डिजाइन, तो आपने अभी जो देखा वो बहुत सिंपल डिजाइन है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ डिफरेंशियल्स. ठीक है, तो ये सारे ओपन डिफरेंशियल के फायदे हैं. यदि हम बात करें क्या नुकसान है यानी डिसएडवांटेजेस क्या है डिफरेंशियल्स की, एंड ओपन डिफरेंशियल सेंड्स मोर ऑफ द पावर टू द व्हील विद द लीस्ट लोड और स्ट्रेन ऑन इट. तो देखिए इस डिफरेंशियल में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जहां पर भी आप देखेंगे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो वहां के आरपीएम ये क्या करता है दूसरे व्हील पे ट्रांसफर कर देता है. तो हम इसको और एलोबरेट करें तो इसका मतलब ये है कि दिस मींस दैट इफ वन व्हील लॉसेस ट्रैक्शन ड्यू टू आइस और सैंड द डिफरेंशियल सेंड्स all the power to the wheels causing the car to surge or get stuck on the pitch. yani ki ab maan lijiye ab ek practical condition ki hum baat karte hain, hamare gaadi mein differential lag raha hai, achhi baat hai ki hamare ko inner wheel pe kam rpm de raha hai, outer pe zyada de raha hai, lekin yadi aisi condition ho gayi, maan lijiye aap gaadi seedhi chala rahe hain aur us seedhi condition mein kya ho raha hai, aapko right side wala wheel maan lijiye kisi gadde mein fas gaya ya daldal mein fas gaya ya ice mein fas gaya aur wo bahut slippery hai, wahan pe kya ho raha hai jo aapki jagah hai wo slippery hai aur jo dusra end hai dusra wheel hai wo normal किसी फ्रिक्शनल सरफेस पे रखा हुआ है, तो गाड़ी को तो ये लगेगा उस टाइम में कि जो नॉर्मल सरफेस पे लगा हुआ है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, तो फ्रिक्शन ज्यादा है तो वो उसको टर्न करने के बजाय क्या करेगा, सारे आरपीएम किस पे डाइवर्ट कर देगा जहां पर आपके पास स्लिपरी सरफेस है. तो उससे होगा क्या, आप जैसे जैसे रेस देंगे तो ज्यादा ज्यादा आरपीएम आपकी स्लिपरी कंडीशन पे मिलेगी. मान लीजिए आप किसी किसी डेजर्ट में है और आपका एक पहिया किसी मिट्टी के अंदर फंस गया और एक पहिया आपका नॉर्मल कंडीशन में सही रोड के ऊपर या किसी जगह पर प्लेस्ड है, तो आप जैसे जैसे आरपीएम देंगे तो आप देखेंगे कि जो सही सरफेस पे है वहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, बजाय कि जहाँ पर जो आपका व्हील है वो फंस रहा है जहाँ पर मिट्टी है तो वो क्या करेगा वहां पे घूमता रहेगा और ज्यादा रोटेट होगा. तो आप जितने भी आरपीएम दे रहे हैं गाड़ी क्या करेगी, सारे आरपीएम को डाइवर्ट कर देगी आपके उस व्हील पर जहाँ पर स्लिपरी कंडीशन है या आइस है, तो होगा ये कि वो व्हील आपका और ज्यादा फंसता चला जाएगा और आपकी गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी. तो ये तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया इस डिफरेंशियल के लिए कि बराबर हमें हम चाहते थे कि भाई थोड़ी देर के लिए डिफरेंशियल काम नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों पे बराबर रोटेशन मिले जैसा नॉर्मल कंडीशन में होता था. दोनों पे मतलब 500-500 आरपीएम दोनों पे यदि गाड़ी को मिलेंगे तो हो सकता है कि जो नॉर्मल सरफेस के ऊपर में है उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी आगे बढ़े और वो गड्ढे से निकल जाए दूसरा पहिया भी. लेकिन डिफरेंशियल ने यहाँ पर एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ऐसे सरफेसेस के लिए. और दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो अनदर प्लेस वेयर इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम इज इफ यू आर ऑफ रोडिंग. तो इस तरह की कंडीशन बहुत आती है जब आप ऑफ रोड कंडीशन की बात करते हैं. तो इसको कैसे दूर किया गया, तो इसके लिए यदि हम बात करें तो वी हैव अ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल लॉक. तो डिफरेंशियल लॉक का एक प्रोविजन होता है, आप डिफरेंशियल को लॉक कर सकते हैं जब आप चाहें कि आप एक डिफरेंशियल लॉक का गियर प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास जो ये मैकेनिज्म था प्लेनेट गियर अपने एक्सिस पे रोटेट हो सकता था, हम उसको लॉक कर देंगे. यदि हमने उसको लॉक कर दिया तो होगा क्या कि कोई भी कंडीशन हो प्लेनेट गियर अपनी एक्सिस पे नहीं घूमेगा. यदि प्लेनेट गियर अपनी एक्सिस पे नहीं घूमेगा तो वो क्या करेगा, दोनों को बराबर टॉर्क देने की कोशिश करेगा और उस वजह से क्या होगा, मान लीजिए आपका एक पहिया किसी दलदल में फंस गया है और एक पहिया आपका नॉर्मल रोड पे है तो भी डिफरेंशियल लॉक कंडीशन में दोनों बराबर आरपीएम पे घूमने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी क्या होगी उस गड्ढे से बाहर निकल जाएगी और आप वापस से उस डिफरेंशियल लॉक को हटा सकते हैं. सो दैट इन टर्न्स यदि जहां भी टर्न आ रहा है वहां पर आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं. तो इस तरह का जो डिफरेंशियल लॉक होता है ये आपको बहुत सारे जगह पे काम आता है और जो भी क्रॉस कंट्री गाड़ियां होती हैं वहां पर भी इसको दिया हुआ होता है. साथ ही साथ आप देखेंगे ट्रैक्टर में भी इसका बहुत बड़ा यूज होता है. तो दीज आर फ्यू कंडीशंस वेयर डिफरेंशियल्स आर यूज्ड. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड पार्ट ऑफ डिफरेंशियल. Thank you so much for watching and stay with me.